बहनों, ये मेरे हाथ में आप देख रही हैं, ये बॉयल हुआ आलू का छिलका है। अब ये जो छिलका है, इसको हम कैसे अपने गार्डन के लिए यूज करेंगे सो देखिए। हम अपने किसी भी गमले में ना साइड से ऐसे मिट्टी निकाल लेंगे। निकाल करके ये देखिए, ये आलू है और इसको इस तरह से एकदम से जैसे हम लोग चार भागों में बांट देंगे, एक भाग में मैंने ऐसे करके डाल दिया। अब आप इसमें कम से कम 15 दिन तक ना कुछ मत डालिएगा। इस तरह से हम लोग चार भाग बना के और यहाँ डाल देंगे। डालते समय ये ध्यान देना है कि ये जो है हाइट इसकी ऊंची होनी चाहिए, जहाँ पे हम आलू को या जो भी हमारे किचन से निकलता है, आलू के छिलका हो गया या टमाटर का हो गया या चाय पत्ती भी बिना सुखाए डालना चाहते हैं, तो वो भी इस तरह से ऐसे करके डाल देंगे। और वहाँ पे ये चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे पानी जो रुके नहीं, ऐसी थोड़ा उसको ऊंचाई दे देना है ताकि वहाँ पे पानी रुके नहीं तो हमारा खाद जो है वो जल्दी बनेगा। क्योंकि ज़्यादा अगर हम पानी वहाँ पे पानी रुकने वाले एरिया में अगर डाल देते हैं ना, तो फिर वो जल्दी खाद नहीं बनेगा वहाँ, मतलब बहुत चिपचिपा होगा और वो सड़ने में उसको नहीं बनेगा। इसलिए नीचे की एरिया को डाउन रखना है, जहाँ पे हमने नहीं डाला है, और जहाँ डाला है उसको अप रखना है ताकि खाद जल्दी बने और उसको सूखा एरिया मिले। वो पानी तो अपने आप वो ले लेगा। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं गमले।